उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। अब यूपी की चुनावी लड़ाई का ये अंतिम पड़ाव है और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। इस चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र जिले शामिल हैं। अंतिम चरण के प्रचार के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। 607 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी के 45 और बीजेपी के 47 उम्मीदवार शामिल हैं। 7 मार्च को 607 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। वहीं राज्य की इन 54 सीटों पर सभी दलों के दिग्गज प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 75% सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार सियासी हालात और समीकरणें बदले बदले नजर आ रहे हैं। वाराणसी से संवाददाता निमेश राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमेश, 9 जिलों की 54 सीटों पर 7 मार्च यानी कि अंतिम चरण का मतदान होना है, ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी के लिए वोट करने की अपील लगातार कर रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जो कि 2 दिवसीय दौरे पर काशी में हैं और आज दूसरा दिन है उनका। देखिए, प्रधानमंत्री की सभा अभी थोड़ी देर पहले समाप्त हुई है और उनकी सभा खजुरी में थी और प्रधानमंत्री का ये अंतिम कार्यक्रम कह लीजिए कि चुनाव जो उत्तर प्रदेश में चल रहा था उसके मद्देनजर वाराणसी में खत्म हुआ है और इसके तुरंत बाद आपने ठीक कहा कि अंतिम चरण का जो प्रचार है उसका बिल्कुल अंतिम दौर चल रहा है। 2 घंटे सिर्फ बचे हैं क्योंकि उसके बाद प्रचार खत्म हो जाएगा और उस 2 घंटे के भीतर सभी राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं वो अलग अलग जिलों में अपनी पूरी ताकत के साथ जनसभाएं और रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और हर पार्टी की तरफ से, चाहे गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, इसके अलावा विपक्षी दलों के नेताओं की बात करें, अखिलेश यादव से लेकर के प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इनकी सबकी सभाएं लगातार और एक के बाद एक होती चली जा रही हैं। बनारस में थोड़ी देर के बाद अभी आपको इसी सड़क पे जिस पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आपको प्रियंका गांधी का रोड शो दिखेगा और इसी सड़क पे कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो गुजरा था जो काशी विश्वनाथ मंदिर से लंका तक गया था। लेकिन आज प्रियंका गांधी का जो रोड शो का रूट मैप है वो लंका बीएचयू गेट, मालवीय जी की मूर्ति पे माल्यार्पण के बाद शुरू होगा और इस रास्ते से होते हुए जिस रास्ते पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ वो गोदौलिया चौराहे तक की परमिशन है, वहाँ तक रोड शो आज प्रियंका गांधी करेंगी। कांग्रेसी कार्यकर्ता इस पूरे रास्ते को झंडों से सजाए हुए हैं और टोलियां बना बना करके बार बार नारेबाजी करते हुए इधर उधर जा रहे हैं और एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अंतिम दौर का अंतिम प्रयास आप कह दीजिए, जिसमें सभी राजनीतिक दल पूर्वांचल में अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा, बिल्कुल निमेश, सही कहा आपने कि देखिए अंतिम चरण का ये मतदान होगा और अंतिम दौर में इससे पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। पीछे आपके हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, कह सकते हैं, उन्हें बाइकों से निकल रहे हैं और कांग्रेस के झंडे लेकर निकल रहे हैं। कितने बजे का रोड शो होने वाला है प्रियंका गांधी का? देखिए, 3 बजे के आसपास, 3-5 के आसपास जौनपुर की सभा समाप्त होनी थी प्रियंका गांधी की, उसके बाद वो वाराणसी आएंगी, यानी कि जौनपुर से आने में तकरीबन 1 घंटे का समय लग सकता है और 4 बजे के आसपास ही रोड शो इनका शुरू हो पाएगा। हालांकि अभी से कांग्रेसी जो है पूरे रास्ते में माहौल बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। 4 बजे के आसपास प्रियंका गांधी 4:30-4 के बीच में इसी सड़क पे आपको रोड शो करती हुई नजर आएंगी। पूजा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निमेश आपका इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। केवल और केवल उमड़ा हुआ जन सैलाब ही मुझे नजर आ रहा था और एक इंजीनियर को विधायक बनाने के लिए जो उत्सुकता, जो उत्साह आपके मन में है, भाइयों बहनों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि श्री प्रशांत सिंह एक योग्य इंजीनियर हैं और अपने वास्तुशिल्पी से न केवल अतरौलिया बल्कि पूरे आजमगढ़ जनपद के विकास के लिए उनका बेहतरीन उपयोग हो पाएगा और आज आपने जो उत्साह उनके लिए दिखाया है, मैं
सबसे पहले आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं यहां पर आजमगढ़ की धरती को प्रणाम करता हूं, क्योंकि यह ऋषि मुनियों की धरती है, यह क्रांतिकारियों की धरती है, यहां इस देश के लिए बलिदान होने वाले भारत माता के उन सपूतों की धरती है जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान किया है। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने शासन काल के दौरान आजमगढ़ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये पहचान का संकट इस रूप में खड़ा किया था कि 2017 के पहले आजमगढ़ का नौजवान अगर देश के अंदर और दुनिया के अंदर किसी होटल में रूम लेने के लिए जाता था, आजमगढ़ के नाम पर उसे बाहर कर दिया जाता था। किसी धर्मशाला में जाता था, उसे रहने की व्यवस्था नहीं दी जाती, ठहरने की सुविधा नहीं दी जाती थी। वह किसी के यहां जाकर के कहीं किराए पे मकान लेना चाहता था, आजमगढ़ के नाम पर उसे बाहर कर दिया जाता था। ये आजमगढ़ के साथ, नौजवानों के साथ, आजमगढ़ वासियों के साथ ये पहचान का संकट किसने खड़ा किया? ये खड़ा उन्हीं लोगों ने किया है जिन्हें बार बार आप यहां से विधायक बनाते हैं। और भाइयों बहनों, आजमगढ़ से जो लोग बार बार सांसद बन रहे हैं, इन लोगों ने आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया है। याद करिए, अभी हाल ही में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़ में कोई दंगा हुआ है क्या? 2017 के पहले तो आजमगढ़ भी सुरक्षित नहीं था, कोई पर्व और त्यौहार नहीं मना सकते थे, अराजकता चरम पर थी, गुंडागर्दी होती थी, और जिस तरीके से अव्यवस्था फैला करके जीवन के साथ खिलवाड़ होता था और किसी से छुपावा नहीं। भाइयों बहनों, याद करिए, अभी अहमदाबाद की एक कोर्ट ने अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। उसमें से दुर्भाग्य से कुछ आतंकवादियों का संबंध आपके आजमगढ़ जनपद से भी है, और आजमगढ़ से जो आतंकवादी फांसी की सजा पाया है, उसमें से एक आतंकवादी के अब्बाजान समाजवादी पार्टी के मुखर प्रचारक हैं, समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कार्य कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की संवेदना गरीबों के प्रति नहीं है, नौजवानों के रोजगार के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति भी नहीं है, अन्नदाता किसानों के प्रति भी नहीं है, विकास के लिए भी नहीं है। उनकी संवेदना तो पेशेवर माफियाओं के प्रति है, पेशेवर अपराधियों के प्रति है और आतंकवादियों के प्रति है। क्या 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी? अतरौलिया से जुड़े हुए भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2000 मिलती थी? आज तो मिल रही होगी ना, बिजली में कोई भेदभाव तो नहीं होता है।